हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब अच्छे से होंगे। एमआरएससी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ अफजल आलम। पिछले वीडियो में हमने आपको रेफ्रिजरेशन साइकिल और कूलिंग टावर के बारे में बताया था। तो अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, तो जो भी हम नया वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले आपको मिलेगा, तो आपके लिए भी बहुत सारा फ़ायदेमंद हो सकता है। और हमारा डेली और एवरीडे नया नया एक एक टॉपिक पे हमारा वीडियो बनता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एवोपरेटर, जिसको चीलर भी बोलते हैं, इसको कूलिंग कॉइल भी बोला जाता है, ठीक है। अब इसको बहुत सारा टाइप में देखने को मिलेगा आपको एवोपरेटर को। तो इसका टाइप्स ऑफ एवोपरेटर देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग कंडीशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू एयर सर्कुलेशन, अकॉर्डिंग टू रेफ्रिजरेंट कंट्रोल डिवाइस के हिसाब से। रेफ्रिजरेंट कंट्रोल डिवाइस ई एक्स वी एक्सपेंसर वाल्व को ही बोला जाता है, उसको ही बोला जाता है रेफ्रिजरेंट कंट्रोल डिवाइस है, मेटरिंग डिवाइस, ठीक है। तो आज हम जानेंगे ये सब आपका नॉर्मली फ्रीज एंड डीप फ्रीज, आपका कोल्ड स्टोरेज वगैरह ये सब में वर्क होता है। अकॉर्डिंग टू रेफ्रिजरेंट कंट्रोल डिवाइस के हिसाब से इसको दो भाग में बांटा गया है, एक ड्राई एक्सपेंशन टाइप कूलिंग कॉइल, फ्लडेड टाइप कूलिंग कॉइल, दो भाग में इसको बांटा गया है। ये अकॉर्डिंग टू रेफ्रिजरेंट कंट्रोल डिवाइस के हिसाब से ड्राई एक्सपेंशन टाइप कूलिंग कॉइल और फ्लडेड टाइप कूलिंग कॉइल। इसमें क्या होता है, आपको सिंपली इसका पहचानने का तरीका क्या है, एक तरह से देखा जाए तो चीलर को भी दो भाग में बांटा गया है, डीएक्स चीलर, एक फ्लडेड चीलर, दो टाइप ऑफ चीलर होता है। तो अगर आपसे पहचानने के लिए बोला जाए कि आप हमें चीलर के बारे में डीएक्स चीलर का क्या पहचान है और फ्लडेड चीलर का क्या पहचान है, तो आपको सिंप्लीफाई, आपको देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है फिगर, यहाँ पे देखिए आपको फिगर देखने को मिलेगा, जिसका ट्यूब में रेफ्रिजरेंट रहेगा, जिस इस तरह से देखिए यहाँ पर ट्यूब है, ये बहुत सारा आपका ट्यूब रहेगा इसके अंदर, और ये हमारा पूरा बॉडी है, ये हमारा सेल है बॉडी। ट्यूब में रेफ्रिजरेंट रहेगा और ट्यूब में इसका वाटर रहेगा, समझिए, ट्यूब में अगर वाटर सॉरी सेल में वाटर रहेगा, ट्यूब में रेफ्रिजरेंट रहेगा, तो वो डीएक्स चीलर का रहेगा। और इसका सेम अपोजिट आपका फ्लडेड चीलर को, फ्लडेड चीलर है, फ्लडेड चीलर में क्या पहचान है कि इसका सेल में रेफ्रिजरेंट रहेगा और इसका ट्यूब में वाटर रहेगा, ट्यूब में वाटर को इंक्लूड कराया जाएगा और सेल में रेफ्रिजरेंट को। ये खास करके आपको इंडस्ट्रियल लाइन में मिलेगा, इंडस्ट्रियल में ये फ्लडेड चीलर यूज होता है। डीएक्स यूनिट तो आपका नॉर्मली सब जगह कहीं पे भी आपको मिल जाएगा डीएक्स में, और इसमें भी डीएक्स चीलर में भी वाटर जो है, वाटर आपको सेल में डालता है और ट्यूब में रेफ्रिजरेंट को डालता है। तो ये भी हम आपको जस्ट आपको हम यूनिट के पास लेके जाएंगे, फ्लडेड चीलर आपको दिखाएंगे और डीएक्स चीलर दिखाएंगे, दोनों में आप खुद देख के जान सकते हैं कि कौन सा अपना डीएक्स है और कौन सा फ्लडेड है। सीलर और फ्लडेड सीलर के बारे में जान गया, अभी आपको हम वीडियो लेके जाएंगे वहाँ डायरेक्ट यूनिट के पास और आपको हम दिखाएंगे। लेकिन मेन आपका एवोपरेटर में क्या फंक्शन होता है आपको ये जानना है, जानकारी आपको ये चाहिए। एवोपरेटर में आखिर क्या होता है, आपसे अगर कोई पूछ दे कि एवोपरेटर में क्या होता है, एवोपरेटर में जो है रेफ्रिजरेंट बॉयल होता है, ठीक है, और कंडेंसर में सेम रेफ्रिजरेंट जो है वेपर से लिक्विड बदलता है और यहाँ पर लिक्विड से वेपर बदलता है। एवोपरेटर में लिक्विड टू वेपर कन्वर्ट होता है, ओके। और इसमें क्या होता है, अगर इसके कांटेक्ट में एवोपरेटर में चीलर में जिस उसके कांटेक्ट में जो भी आता है वो ठंडा, उससे हीट ग्रहण करके ये रेफ्रिजरेंट अपने आप को बॉयल कर लेता है और ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलते रहता है। जैसे अभी मान लो स्प्लिट यूनिट है चाहे डीएक्स यूनिट है, तो अभी रूम का टेम्परेचर एयर को डायरेक्ट एवोपरेटर के सामने टच होता है, आप इंडोर यूनिट देखिए लगा रहता है अंदर में, उसका कॉइल से टच करता है एयर, तो वो रेफ्रिजरेंट जो है बॉयल होकर कंप्रेसर में चले जाता है वेपर बन करके। और अगर सेम अगर चीलर है तो चीलर में उसका कॉन्टेक्ट में क्या आता है, चीलर उसके कॉन्टेक्ट में पानी आता है, तो पानी ठंडा हो जाता है और अपना वेपर गर्म होकर के अपना कंप्रेसर में चल जाता है। तो ये प्रोसेस है आपका एवोपरेटर का। एवोपरेटर में सिंप्लीफाई आपको बोलने का है कि लिक्विड से रेफ्रिजरेंट वेपर में बदलता है और आसपास रखे हुए सामान उस कॉन्टेक्ट में जो भी आता है वो ठंडा होकर के ये खुद को हीट कर लेता है।
तो ये हमारा इवेपोरेटर का आज का टॉपिक था। अभी हम नेक्स्ट आपको वीडियो में सामने ले जाकर दिखाएंगे कि फ्लगेट चिलर को कैसे पहचानेंगे। देखिए अभी हम फ्लगेट चिलर के पास हैं, आप सामने देख सकते हैं ये इसका सक्शन लाइन है, ये कंप्रेसर है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है, यहाँ पर देखिए गाइड वेन है, इसके जरिए कंट्रोल होता है। इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी आप जानिए फ्लगेट चिलर को कैसे पहचानेंगे, फ्लगेट और डीएक्स में डिफरेंस। तो इसका देखिए पहचानने का मैं एक तरीका आपको बताया था, इसका ट्यूब में वाटर रहेगा और सेल में रेफ्रिजरेंट रहेगा। इसका क्या है, ये सेल में रेफ्रिजरेंट है, ये सेल के अंदर रेफ्रिजरेंट आ रहा है और यहाँ पर देखिए ट्यूब में वाटर आ रहा है। ये देखिए ट्यूब में वाटर इन किया और इधर से ये आउट किया। आउट होने के बाद देखिए इसमें बैलेंसिंग वाल्व लगा हुआ है, जिसको डबल रेगुलेटिंग वाल्व बोलते हैं। ये यहाँ पर है, इससे पानी का प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है, ये फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये आपका सेकेंडरी पंप में जा रहा है, यहाँ से फ्लो होकर के। तो ये आप जाने कि फ्लगेट चिलर को हम कैसे पहचानेंगे, जिसका ट्यूब में वाटर रहेगा, सेल में रेफ्रिजरेंट, उसको फ्लगेट चिलर बोलेंगे। तो खास करके ये सेंट्रीफ्यूगल चिलर में आता है। देखिए आपने जैसा देखा कि ये हमारा फ्लगेट चिलर है, ओके। अभी चलिए अब आपको हम डीएक्स चिलर के बारे में बताएंगे। हाँ दोस्तों, तो अभी देखिए हम डीएक्स चिलर के पास आ गए हैं। इसके पहले जो अभी आप देखे वो अपना फ्लडेड चिलर था, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर था। अभी जो है हम डीएक्स चिलर के पास आए हैं, इसको पहचानने का तरीका आपको मैंने थ्योरी में बताया, लेकिन अभी आप डायरेक्ट प्रैक्टिकल देख लीजिए। ये हमारा जो है चिल्ड वाटर, ये इन कर रहा है, ठीक है, और ये हमारा चिलर है, ये हमारा चिलर है, चिल्ड वाटर इन कर रहा है और फिर इधर से आउट कर रहा है। तो इसका क्या है कि इसका सेल में आपका वाटर इन कर रहा है और ट्यूब में रेफ्रिजरेंट है। ट्यूब में आप इनसाइड अगर देख पाए तो आपको मैं दिखाता हूं, ये देखिए अभी जो है यहां पर इनसाइड ट्यूब है, ये आपका ट्यूब में जो है आपका रेफ्रिजरेंट इंटर कर रहा है और यहां पर ये इसका बॉडी है, ये सेल है। तो ये सेल में आपका चिल्ड वाटर जो अपना रिटर्न आ रहा है एचयू से, वो इसमें आ रहा है, फिर इसके जरिए इधर में आउट कर रहा है। तो आपने देखा कि फ्लडेड चिलर और डीएक्स चिलर में क्या डिफरेंस होता है। हाँ दोस्तों, तो अभी आपने देखा डीएक्स चिलर और फ्लडेड चिलर का डिफरेंस आपको मालूम चल गया होगा, सेल एंड ट्यूब टाइप, ट्यूब एंड सेल टाइप चिलर होते हैं। तो अभी आपने अच्छे से पहचान सकते हैं, आई होप, हमें उम्मीद है कि डीएक्स चिलर कौन सा है, फ्लडेड चिलर कौन सा है। अभी इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स बताएंगे, दोनों में सुपर हिट भी अलग तरीके से मेंटेन करते हैं, दोनों का परफॉर्मेंस कैसा है उसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आपने इस चीज़ को डिफरेंशियल जाना कि क्या एवोपरेटर का क्या काम होता है और कौन कौन से एवोपरेटर अपना चिलर यूज होते हैं। अभी अपना ये रेसिप्रोकेटिंग चिलर है, ठीक है, कंप्रेसर जो है रेसिप्रोकेटिंग लगाया हुआ है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखें। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करें।